Students, welcome in the lecture series on atomic structure and this is the part 2. तो आप लोगों का स्वागत है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट 2 हम देख रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट जिसमें हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी एक्ट करते हैं और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करते हैं. अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया था, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी मींस क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी. ओके, सर्टेनिटी मींस जिसके बारे में हम फिक्स हैं, वो सर्टेन थिंग है, और जिसके बारे में हम श्योर नहीं है वो क्या है? अनसर्टेन. एक तरीके से अगर हम अनसर्टेनिटी को डिफाइन करें तो ये हम देखेंगे कि देयर आर समथिंग दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ, जिसके बारे में पक्का नहीं होते हैं कि ये हैपन हो जाएगा, ये चीज है, तो इसको हम कहते हैं अनसर्टेन. और सर्टेन का मतलब कि वो पॉसिबल है, वो चीज के बारे में हम क्या होते हैं? पक्के होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्टेनिटी. मीनिंग ढूंढे अनसर्टेनिटी का, तो वो क्या है? वो है अनिश्चितता. तो ये क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत. तो इसका मतलब है कि जिस चीज के बारे में हम निश्चित हैं उसको हम कहते हैं सर्टेन, और जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, वो कहलाती है अनसर्टेनिटी. ओके, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, अगर उसका मीनिंग देखें, तो हम देखेंगे वर्ड मीनिंग के आधार पर कि अनसर्टेन मींस अनिश्चित, जो श्योर ना हो, और सर्टेन का मतलब निश्चित, जो श्योर हो. ओके, नाउ ये देखिए, सबसे पहले जर्मन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927. जो 1927 में इन्होंने फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ये प्रिंसिपल दिया था, इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP. ओके, और यहां पर अकॉर्डिंग टू, यहां जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब हम थोड़ा डेफिनेशन बदलने जा रहे हैं. यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ एवरीथिंग. अब यहां हमने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम कभी भी श्योर नहीं होते हैं. ओके, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर चीज के बारे में हम कभी भी सर्टेन नहीं होते, निश्चित नहीं होते, वही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार के तथ्य. ओके, यू कैन नेवर बी सर्टेन ऑफ बोथ पोजिशन एंड स्पीड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. नाउ कम टू दी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दी वर्ड्स अनसर्टेन एंड सर्टेन. ओके, अनसर्टेन मीन्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज नॉट श्योर. अब हम बात करेंगे कि अगर मैं बात करूं कि कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसकी पोजीशन और स्पीड की मैं बात करूं, छोटा सा पार्टिकल जिसे हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं, अगर इनकी पोजीशन और स्पीड की बात करूं तो इनको एक साथ देख पाना मुश्किल है. ये एक साथ सर्टेन नहीं है, नहीं होता है इसको देख पाना. ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं. ओके, इट इज पॉसिबल टू अरेंज एन एक्सपेरिमेंट सो यू कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. ये पॉसिबल है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर पाए, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वुड लेट यू प्रिडिक्ट इट्स स्पीड. तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूं तो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से मुझे पोजीशन पता लग सकती है, और एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से मुझे उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के स्पीड का पता लग सकता है. दोनों को एक साथ पता करना बहुत कठिन है, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी. ओके,
बट यू विल नेवर बी एबल टू अरेंज द थिंग्स दो सो दैट यू विल बी सर्टेन अबाउट बोथ पोजिशन एंड स्पीड. बट इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट हम डिजाइन नहीं कर सकते एकदम से फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ओके, तो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी पोजिशन और स्पीड को एक साथ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा पाना बड़ा टफ है, अनसर्टेन है एक साथ पता लगाना. ओके, तो अगर पोजिशन सर्टेन होगी तो स्पीड अनसर्टेन होगी, अगर स्पीड अनसर्टेन होगी तो पोजिशन सर्टेन होगी. तो यही क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्योंकि जो मेन जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली मेजर बोथ पोजीशन एंड स्पीड विथ परफेक्ट एक्यूरेसी. तो बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेटली एक ही समय पर साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड स्पीड किसकी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये जोड़ना जरूरी है, उसको पता लगा पाना बड़ा डिफिकल्ट काम है. यही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. ओके, अगर हम एक्यूरेटली पोजीशन को मेजर करें तो स्पीड ऑफ पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाती है. अगर हम किसको, स्पीड को मेजर करें, स्पीड को सर्टेन करें, तो जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है. यानी दोनों का वाइस वर्सा संबंध है. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई. तो आप ये देखेंगे कि जो अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. डेल्टा एक्स क्या है, अनिश्चितता है पोजीशन पे, और डेल्टा पी क्या है, अनिश्चितता है संवेग में. ओके, और ये जो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये एच अपॉन फोर पाई से क्या होना चाहिए, अधिक या उसके बराबर होना चाहिए. तो ये क्या करते हैं, अपने को मेंटेन करते हैं जहां पर एच एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है. ओके, और इस डेल्टा पी को हम एम इंटू डेल्टा वी भी कह सकते हैं, जहां पर एम उस सब्सटेंस पार्टिकल का मास है और वी क्या है, वी इज दी इट इज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी. जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा वी है, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड दैट इज इन मीटर पर सेकेंड एंड एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल इन किलोग्राम. ओके, विल राइट अगेन द इक्वेशन. अब मैं फिर से इक्वेशन लिखूंगी और यहां पर आप देखेंगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन एन एच अपॉन 4π. ओके, अब अगर हम डेल्टा एक्स और पी में संबंध देखें तो क्या है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम. ओके, तो यानी एक अगर बड़ा होगा, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी होगी तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत छोटी होगी. तो ये अनसर्टेनिटी अगर लो है, इसका मतलब है इसकी अनसर्टेनिटी लो है. ओके, अनसर्टेनिटी इज लो, तो इसकी सर्टेनिटी क्या होगी, हाई होगी, हाई सर्टेनिटी. तो आप ये समझ जाएंगे कि अगर पोजीशन में सर्टेनिटी जो हाई अनसर्टेनिटी है, मान लीजिए. ओके, तो अगर पोजीशन में हाई अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम में लो अनसर्टेनिटी होगी. अगर मोमेंटम में लो अनसर्टेनिटी होगी मतलब हाई सर्टेनिटी. तो उस केस में अगर पोजीशन हाईली अनसर्टेन है तो फिर मोमेंटम क्या होगा, हाईली सर्टेन होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, रिलेशनशिप देखेंगे जहां पर हमने देखा कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम इंटू डेल्टा वी
that should be greater than or equal to h upon 4 pi. Again, you can see that delta x is inversely proportional to 1 upon डेल्टा वी इंटू एम. तो दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दूसरा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मास ऑफ दिस पार्टिकल. मास ओके, यानी जितना स्मॉलर मास होगा, जितना कम मास होगा उतनी अधिक अनसर्टेनिटी होगी, और जितना बड़ा मास होगा उतनी कम अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में या वेलोसिटी में. तो इसका मतलब है कि मास स्मॉल है ओके, तो अनसर्टेनिटी क्या होगी? हाई. अनसर्टेनिटी क्या होगी? हाई होगी ओके. तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं स्मॉल किन का होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का ओके. तो यानी अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे तो उनका जो जो मास है वो स्मॉल है, इसलिए वो हाईली अनसर्टेन होंगे. तो ये जो रूल बना हुआ है ये जनरली किसके लिए है? ये स्मॉल मासेस के लिए, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए. अगर ये मास हाई होगा, अगर ये मास अधिक होगा तो फिर अनसर्टेनिटी क्या होगी? लेस अनसर्टेनिटी. और अगर लेस अनसर्टेनिटी होगी तो उस केस में आप देखेंगे कि ये लॉ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी को ये लॉ बताता है कि जो मास है उसकी अनसर्टेनिटी कैसी है, क्या वो अनसर्टेन है पोजीशन से या उसकी वेलोसिटी. तो ये जो रूल है वो किसके लिए है? फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. से बात कही वो ये कही कि जो लार्ज पार्टिकल होंगे, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, उनकी अनसर्टेनिटी क्या होगी? स्मॉल होगी, क्योंकि उनका मास क्या है? अधिक है ओके. और जो अनसर्टेनिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास, यानी उनकी पोजीशन और मोमेंटम वो हम आसानी से बता सकते हैं. और वो उसका एग्जांपल है ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स यानी हम बेस बॉल है उसके ऑर्बिट बता सकते हैं, हम अर्थ के ऑर्बिट बता सकते हैं, क्योंकि अर्थ एक बड़ा पार्टिकल है, एक बड़ा सब्सटेंस है. तो क्योंकि उसका मास अधिक है तो अनसर्टेनिटी कम है, इसलिए हम उसकी ऑर्बिट्स के बारे में बता सकते हैं ओके. लेकिन अगर हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वहां पर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज होती है. तो ये हम किसकी बात कर सकते हैं? सब एटोमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके केस में क्या होता है? अनसर्टेनिटी हाई होती है. तो इसीलिए अगर हम देखें कि रोज जो घटनाएं होती हैं हमारे सामने इन द एनवायरनमेंट, वो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नहीं बता सकते. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ओके, क्योंकि उनमें अनसर्टेनिटी क्या है? अधिक है. तो ऑर्बिटल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, उनकी अनसर्टेनिटी के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं. अब आप देखिए कि अगर हम इस ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं पोजीशन देखना चाहूँ तो मैंने यहाँ से फोटोन इंसिडेंट किए, और फोटोन इंसिडेंट करूँगी तो यहाँ देखिए माइक्रोस्कोप के थ्रू जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, वो मैं इस माइक्रोस्कोप से देख लूंगी रिफ्लेक्टेड फोटोन को, तो पोजीशन पता लग जाएगी इलेक्ट्रॉन की. तो ये इसका एक ओरिजिनल पाथ था, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ओके. जैसे ही इसमें हमने क्या दिया? फोटोन दिए. फोटोन की लैम्डा पर डिपेंड करेगा कि फोटोन की लैम्डा क्या है, यानी अगर फोटोन की लैम्डा कम होगी तो एनर्जी बहुत हाई होगी. तो अगर हम हाई एनर्जी के फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पर डालेंगे तो बहुत एनर्जी इसको मिलेगी, और जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो अपना ये पाथ छोड़ देगा और ये न्यू पाथ एडॉप्ट करेगा. तो ये जो डायरेक्शन है ये इसके न्यू पाथ की है ओके. तो हमें इसकी पोजीशन तो पता लग गई क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, लेकिन इसका जो स्पीड था, जैसे हमने हाई एनर्जी का फोटोन इसमें डाला तो ये इसकी स्पीड चेंज हो गई, इसने अपना पाथ भी बदल दिया और इसकी स्पीड भी चेंज हो गई. तो हम एक ही समय में दोनों चीजें नहीं बता पाएंगे. एक्सपेक्टेड पाथ तो ये था लेकिन इसका क्या आ गया? न्यू पाथ. तो यानी अगर किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम किसी तरीके की वेवलेंथ दे रहे हैं, देखिए हम उसको लो वेवलेंथ की अगर वेव
फोटॉन्स देंगे तो हाई एनर्जी उसको मिलेगी, हाई एनर्जी अगर उसको मिलेगी तो वो अपनी पाथ और पोजीशन चेंज कर देगा. सो इट इज नॉट सर्टेन. एक चीज तो सर्टेन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन दूसरी जो स्पीड है उसकी वो सर्टेन नहीं होगी. अगर हमें हाइजेन पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है तो हमें पोजीशन हम उसकी देख सकते हैं पार्टिकल की, लाइट पास करके उसमें लाइट हम पास कर सकते हैं तो उससे हमें पोजीशन पता लगेगी. ओके, पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम फोटोन उसमें डालेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन तो हम मेजर कर सकते हैं, वो किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज. तो अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ यूज करेंगे, हाई एनर्जी अगर होगी तो एक्यूरेसी तो ग्रेटर होगी, एक्यूरेसी पोजीशन की एक्यूरेसी तो होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी हम इतनी आसानी से नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो अपना पाथ चेंज कर चुका होगा. ओके, और अगर हम फोटोन की लाइट किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर डालें, ओके, तो वो लाइट इतनी नहीं होगी कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को कम कर या चेंज कर सके, बड़ा या घटा सके, या जनरली बढ़ती है तो वो इतनी सफिशियंट नहीं होती है कि वो लार्ज बॉडीज की पोजीशन और वेलोसिटी को चेंज कर सके. फॉर एग्जांपल अगर हम टॉर्च की लाइट पास करें, एक बॉल है हमारे पास डार्क रूम में, तो उस पर अगर हम टॉर्च की लाइट, क्योंकि टॉर्च की लाइट से भी क्या होगा, फोटॉन्स आएंगे, तो अगर टॉर्च की लाइट पास करें तो क्या उसको कुछ होगा, वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, पोजीशन भी वही रहेगी और वेलोसिटी भी वही रहेगी. तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक टॉर्च की लाइट से एक बड़े ऑब्जेक्ट को की पोजीशन और वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके, लेकिन उसी टॉर्च लाइट से, उसी लाइट से हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन या वेलोसिटी, दोनों में से कुछ भी एक अनसर्टेन हम कर सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब आप ये मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन नहीं होती है, ओके. और आप दूसरी बात भी याद रखिए, जो बोर्स ने कही थी और उन्होंने कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या होती है, सर्टेन होती है. तो दो बातें आपकी कंफ्लिक्ट हो गई हैं, एक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा है बोर्स प्रिंसिपल, बोर्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो थ्योरी थी. द लेक्चर, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा. इसमें हमने पढ़ा, पहले तो आपने टर्म पढ़ा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है और सर्टेनिटी क्या होती है. सर्टेनिटी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है निश्चित, और अनसर्टेनिटी को अगर हम देखें तो वह अनिश्चित. तो ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत. और यहां पर आपने देखा कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हमने बात करी जहां पर पोजिशन एंड स्पीड दे आर नॉट सर्टेन साइमल्टेनियसली, एक साथ उनको पता लगा पाना कठिन काम होता है. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बोर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन है, निश्चित है, क्योंकि वो निश्चित एनर्जी के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं. और अगर हम हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन सर्टेन नहीं है. एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में अगर जानना है कि उनमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे वो फॉलो करते हैं, तो ये डिपेंड्स अपॉन लाइट, यानी फोटोन पर डिपेंड करता है. अगर हम फोटोन हाई एनर्जी का देंगे तो पोजीशन तो हमें पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बट वी कैन नॉट सर्टेन अबाउट दी वेलोसिटी, उसके संवेग के बारे में हम सर्टेन नहीं होते. जबकि लार्ज बॉडीज के केस में पोजीशन और वेलोसिटी सर्टेन होती है. जैसे अगर हम टॉर्च की लाइट अगर डालें तो वो टॉर्च की लाइट इतनी नहीं होती है, इतनी एनर्जी उसमें नहीं होती है कि वो बिग पार्टिकल की वेलोसिटी या डायरेक्शन को चेंज कर सके. तो मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि अगर हम एक पार्टिकल, या आप कह सकते हैं एक बॉडी लें जिसका वेट है 1 ग्राम, माने मास उसका क्या है 1 ग्राम, ओके, उसके लिए अगर हम अनसर्टेनिटी देखें, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड दिस थिंग दिस एक्स
देन इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm, ओके. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट 10^-25 मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1, ओके. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, ओके, इलेक्ट्रॉन जिसका मास होता है कितना आपको पता है, 9.11 × 10^-31 kg. तो इसके लिए अगर हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कैलकुलेट करना चाहें, जो कि क्या होती है 4πm, ये क्या आएगी 10^-4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. कि अगर ये पार्टिकल बड़ा है, बॉडी साइज बड़ा है, यानी मास बड़ा है, तो आप देखिए अनसर्टेनिटी कितनी आई, 10^-25 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास 10^-31 kg है, तो आप देखते हैं कि अनसर्टेनिटी कितनी आई, 10^-4. तो अगर आप देखेंगे तो ये अनसर्टेनिटी हायर है और ये अनसर्टेनिटी लोअर है. तो जो स्मॉल पार्टिकल होंगे उनकी अनसर्टेनिटी अधिक होगी और जो लार्ज पार्टिकल होंगे उनकी अनसर्टेनिटी कम होगी. इसलिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट इज फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनका साइज बहुत छोटा होता है या जिनका मास बहुत छोटा होता है, ओके. अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में था. सो थैंक यू वेरी मच.